हम भरवारा में देख रहे हैं, जितने भी राजनीति के लोग हैं सब दबंगई पर उतरे हुए हैं। हम तो ये भी देख रहे हैं भैया, स्टल पिस्टल का भी खेल हो रहा है। आप बताइए, भरवारा में तो हम इस बार ये भी सुन रहे हैं कि अडर मडर करने की भी धमकी दी जा रही है। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। अभी जो देख रहे हैं, अभी मैं चुनावी माहौल में आ चुका है नगर पंचायत भरवारा का, और हमारे साथ एक कैंडिडेट भी जुड़े हुए हैं, राम बाबू साहब। चलिए इनसे जानते हैं इनका विचार क्या है। स्वागत है आपको भरवारा न्यूज में। सबको प्रणाम हमारी तरफ से। आपका नाम? राम बाबू साहब। आप किस पद के लिए खड़ा हुए हैं? मुख्य पार्षद के लिए। ईवीएम नंबर में कितने नंबर में आता है? 7 नंबर पर। 7 नंबर सिलाई मशीन छाप। सिलाई मशीन छाप है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि अच्छे जो उम्मीदवार है उसको लाभे, क्या समझे, यहाँ चोरबा सब बहुत घूम रहा है पतली गली से, तो ढांसे में न आके एक मौका हमको दिया जाए। अगर हम सही काम नहीं करेंगे 5 साल के बाद हम कोटा दिया जाए। हम रुपया कमाने के लिए नहीं आए हैं इसमें, हम समाज को सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा कमाने के लिए नहीं। इससे पहले आप समाज को सेवा कभी किए हैं? जो हमसे बन पड़ा, जो आया हमारे पास, बहुत ऐसा सेवा हो चुका है। हम जीतने के बाद सबसे पहले जिस घर का दिया बुझ चुका है उस घर में दीप जलाएंगे हम। दूसरा काम? दूसरा काम बहुत है, जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है जी। हॉस्पिटल सबसे पहले चाहिए हमारे गांव में जी। कि जिसको सिंहवाड़ा दरभंगा न जाना पड़े जी। और उसके बाद हमारे यहाँ कॉलेज अच्छी नहीं है जी। इसके लिए लड़की बाहर जाती है और बहुत तरह का शिकायत है गांव का, उसको दूर किया जाएगा। उसके बाद बिजली का व्यवस्था अच्छा, रोड का व्यवस्था, नाला का व्यवस्था, ये जो शौचालय का व्यवस्था, ये जो हर एक चीज में पैसा लिया जाता है, वो आपके आने के बाद भी लिया जाएगा या वो बंद हो जाएगा? हमारे आने के बाद प्रधानमंत्री आवास जो भी आप मिलेगा, पहले बनने के बाद 1 रुपया इसमें घुस नहीं मिलेगा। 1 रुपया? 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। पर घुस मांगेगा तो क्या कीजिएगा? अब उसके लिए जो करना होगा हम सोचेंगे करेंगे, जो जानकारी नहीं है संघर्ष करेंगे हम लोग। जब हम हाँ, लूटने वाला काम नहीं होगा पंचायत में। बहुत जनता को लुटा चुका है, और वोट लेने के बाद जन प्रतिनिधि जो भी जीतते हैं जनता को चिंते भी नहीं है, और हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। हमारे यहाँ गांव का डोम भी आएगा तो उसका भी सम्मान किया जाएगा। सम्मान पहले सम्मान क्या? अभी हमको मालूम है फकर तकिया हम गए तो वहाँ कोई कैंडिडेट वहाँ हल्ला कर दिया कि राशन कार्ड बन रहा है, सब आधार कार्ड लेके आओ। तो हम पहुँचे तो मालूम हुआ हमको, तो हम समझा है कि अभी आचार संहिता लागू है, अभी किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपको राशन कार्ड मिला देगा। चलिए, हमारे साथ इनके जो निवेदक है वो भी जुड़े हुए हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। आप ये राम बाबू साहब का निवेदक हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो क्लियर कर चुके हैं भरवारा नगर पंचायत वासियों को। मैं कह चुका हूँ, मैं साल पहले ही घोषणा किया था कि मैं इस बार नगर पंचायत में आऊँगा, लेकिन 3 बच्चे के कारण मैं नहीं आ सका। तो आप राम बाबू जी में मनोज जी ही देखिए, उससे अलग नहीं है। मैं इनको लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ कि देखिए, मेरा सीधा सा बात कहना है कि भैया, अगर जिसको कमाना है तो राजनीति में न आए, अगर सेवा की भावना रखते हैं तो राजनीति में आए। राजनीति में कमाने के लिए किसी गरीब का पेट काटना होगा, किसी का घेट काटना होगा। तो हमारा कहना है कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सरकार गरीब के लिए योजना चलाती है, सरकार पैसा देती है गरीब के लिए, आ नेता लोग जो है सो अपना परिवार बाल बच्चे चूल्ही चौका चलाने में लगा देते हैं। हम देख रहे हैं कोई भी जनता खुश नहीं है। हम ये अभी जनता देखिए कितना भीड़ लगी हुई है, कोई भी जनता खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ तो भाई सीधा बात है, इलेक्शन आता है तो सबको पीटी पर हार देते हैं क्या। तो हम तुम्हारे साथ हैं, अब हम बदल गए हैं, अब हम गलती नहीं करेंगे, हम आप ही का होंगे। अभी तो पैर पर हाथ देंगे भैया, पीटी पर हाथ देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो ठोटी पर अभी हाथ मिलेगा। तो अब हमें भरवारा नगर पंचायत वासियों से मैं बार बार अपील करना चाहूँगा कि आप देखें, ये अभी क्या हुआ, बरसाती मेढक की तरह नेता पैदा हो गए। और दूसरी बात, दलाल भी बहुत सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि उसका रोजगार पनप गया है। अब कुछ लोग जिनके अंदर में 100 वोट है, 200 वोट है, तो वो सौदा करने में लगे हुए हैं।
मैं सबसे पहले मैं जनता से यह आग्रह निवेदन करूंगा कि आपका एक वोट या तो 5 साल तक तर पाएगा, नहीं तो आप सही प्रत्याशी को चुनेंगे तो वो एक वोट आपको 5 साल तक आपको सुख सुविधा और जो भी दुख है उसका निवारण होगा। मैं एक बार फिर जनता से कहना चाहता हूँ, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, ऐ मेरे जनता मालिक, आप इस बात को सोचे, मेरे बारे में पता करे। मैं किसी गरीब का लूटा हूँ, मैं किसी का बेईमानी किया हूँ, मैं किसी का बेईमानी करके इस जगह पर आया हूँ, मैं किसी को सताया हूँ या किसी के साथ दबंगई किया हूँ। आज हम भरवारा में देख रहे हैं जितने भी राजनीति के लोग हैं सब दबंगई पर उतरे हुए हैं। हम तो ये भी देख रहे हैं भैया, स्टल पिस्टल का भी खेल हो रहा है। आप बताइए, भरवारा में तो हम इस बार ये भी सुन रहे हैं कि अडर मर्डर करने की भी धमकी दी जा रही है। भैया आपको तो सोचना होगा हम कैसे व्यक्ति को लाए जो हमारी बात को सुने। आप बताइए, भय दिखा करके भी वोट लेने की राजनीति हो रही है। आज बताइए हमारा क्या गलती है? हमारा गलती एक ही है कि हम राजनीति में आए हैं। क्या राजनीति में सबका अधिकार है खड़ा होने का? ये हमारा संविधान सबको राइट दिया है कि आप खड़ा हो सकते हैं। आप पता कीजिए, 10 बजे रात में मेरे घर को घेर लिया गया और 10 बजे रात में हमको मर्डर करने का प्रयास किया गया, लेकिन महादेव की कृपा से आज हम आप लोगों के पास है। अगर हम डरते तो हम राजनीति में नहीं आते। आप लोग जानते हैं कि हमको रोजी रोटी कमाने के लिए मेरे पास सारा व्यवस्था है, लेकिन मैं एक बार सोचा हूँ कि देखिए, एक बार रुपया कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी भावना सेवा करने की है, मेरी भावना स्वहित करने के लिए नहीं है। मैं अपना रोजी रोटी बिजनेस व्यापार करके चलाऊंगा, ना कि जनता का पेट काट के चलाऊंगा। आप जीतने के बाद युवा साथी के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी अच्छी सवाल है। सबसे पहले हम भरवारा में देख रहे हैं कि हमारे अच्छे परिवार के युवा साथी भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। अब एक बात बताइए, जो आदमी खुद बेरोजगार होगा भैया, वो रोजगार देगा? जो आदमी का जिसका खुद पेट खाली हो, भूखा हो, वो दूसरे को भोजन देगा? ये तो भरवारा के प्रत्येक जनता को सोचना काम है। प्रधानमंत्री आवास में लूट खसोट हो रहा है, नाला बना, घर का पानी नाला में जाता है, यहाँ नाला की पानी घर में आता है। अब बताइए ये कौन नाला बना? अभी अभी फकर तकिया की जो रोड की स्थिति है, मैं देख करके दंग हूँ। भैया ये क्या राजनीति करते हैं? सरकार आज जो पैसा सरकार देती है, आप सभी जनता का पैसा, ये किसी की अपनी जमींदारी में से नहीं है, ये जनता का पैसा देता है। आज हम सुनते हैं अनाज दिया जाता है फ्री में। भैया 2 महीना इलेक्शन आया है, 2 महीना इलेक्शन का बचा है तो फ्री में अनाज देते हैं। हमारा कहने का मतलब है, हम जनता वासियों से कहना चाहते हैं, अगर 10 किलो अनाज या 20 किलो 40 किलो अनाज से परिवार बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, भरण पोषण हो जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि मैं जनता को कमाने लायक बनाऊंगा, वो अपना पैसा से खुद अपना भोजन कर ले, कपड़ा ले ले, नहीं समझे, और भिकमंगा नहीं बना। अब तो देखते हैं गलत करने का परिणाम, कोरोना रूपी आ गया था। बड़े बड़े साहब को कोरोना पकड़ रहे थे जो एसी में थे। थोड़ा सोचिए, गलत कीजिएगा तो ऊपर वाला आपको क्या करेगा, ये सोचने। चुनाव आते थे सभी कैंडिडेट यही बोलते कि चुनाव आ गया, हम अब ये करेंगे वो करेंगे, मगर जीतने के बाद सब उसी तरीके से हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? 10 कैंडिडेट में अगर मनोज पहली बार अपना बिजनेस व्यापार छोड़ करके, अपना आमदनी छोड़ करके इस बार जनता की सेवा करने के लिए निकला है, आपको नहीं लग रहा होगा ये जी बिजनेस में कम फायदा है, उससे ज्यादा यहाँ राजनीति में ज्यादा फायदा होगा? बिल्कुल। एक मिनट, एक बात हम बता देते हैं, अच्छा क्वेश्चन किए हैं आपको। तब हम इस मीडिया बंधु को हम कहना चाहते हैं कि एक बात ध्यान दे, मनोज ये मुख्य पार्षद का पोस्ट है एक गांव का, मैं 3 जिला को डील कर रहा हूँ, मैं 3 जिला को दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी, बिजनेस में मैं 3 जिला को नेतृत्व कर रहा हूँ। अगर पैसा कमाना होगा तो मैं जनता को पेट काट के खाऊंगा, नहीं अगर पेट काट के खाऊंगा जनता को तो आप जूता का माला तैयार रखें। तो फिर आप राजनीतिक में क्यों आए? सेवा की भावना से भैया, सेवा करना, राजनीतिक से अच्छा मंच क्या है सेवा करना। इस धरती से पैदा
फायदा लिया हूँ, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता? आज देखिए क्या हालात है गरीब जनता का, आज देखिए रोड, जिस रोड पर आप खड़े हैं उस रोड की क्या हालात है, आप बताइए कि मैं तो समझता हूँ भरवारा को मनोज की तरह हम तो कहते हैं हाथ बढ़ाए हुए हैं, सभी आदमी आइए और मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, अगर मैं जीतने के लिए आया हूँ या जीत करके कमाने के लिए आया हूँ तो आप एक वोट भी हमको मत दीजिए, बिल्कुल नहीं दीजिए, लेकिन 10 प्रत्याशी में अगर मेरा मकसद सेवा का है तो आपको एक एक वोट सिलाई मशीन छाप पर देना चाहिए। सर जनता से पूछते हैं क्या ये बोल रहे हैं, ये सही बात बोल रहे हैं क्या? सही बात बोल रहे हैं। हाँ, इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? अभी देखा तो जाए किसको दिया जाएगा, देखा जाएगा। फिर 500 में बिकने वाले हैं क्या? नहीं नहीं बिकने जाएगा। जो पहली कैंडिडेट थे उसी को वोट देने वाले या चेंज करेंगे इस बार? चेंज होगा, इस बार पूरा उद्देश्य की चेंज होगा। चेंज होगा, चेंज होगा जी। मतलब सर विकास पे वोट कीजिएगा या फिर पैसे पे वोट कीजिएगा? विकास पे वोट कीजिएगा। बहुत अच्छा बोले है कि पैसा लेकर के हम वोट इस बार नहीं करेंगे। भैया दोनों तो पुराने ही है, एक तो बराती वही है, दूल्हा चेंज है, वो भी तो पुराने है, बराती वही है, दूल्हा चेंज है, दोनों पुराने हैं। मैं तो कहूंगा तीसरा विकल्प को लाइए, पुराना दोनों को देख लिए, एक बार हमें लाइए। मैं ही जानते हैं यहाँ तो धर्म की भी राजनीति होती है, वो लोग कैसे वोट मांग रहे हैं, वो ऐसे लोग वोट मांग रहे हैं। मैं तो मुसलमान भाइयों को भी कहूंगा, भैया जो आपको पैगंबर को गाली देते हैं थोड़ा याद कीजिएगा, इस बार बहुत सोच समझ के, क्योंकि भगवान और पैगंबर में कोई अंतर नहीं है। मैं सर्व धर्म संभाव की बात करता हूँ, मैं सभी जातियों को लेकर चलूंगा और सभी धर्म के व्यक्ति को लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरा मकसद सबको साथ लेने का है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले एक मानव है। जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम किसका मुसलमान का ब्लड ले कि नहीं, और जब वोट के समय आता ते हिंदू मुसलमान तेली हलवाई सोनार, ये क्यों होता है भैया? ये जाति चीज को छोड़िए, मैं तेली समुदाय में मैंने एक चीज देखा है, तेली को, तेली समुदाय में मैं प्रत्येक व्यक्ति से भेंट किया हूँ, उन्होंने कहा है कि मैं हृदय में सिलाई मशीन को रखा हुआ हूँ, मुंह पर नहीं जा, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि हम नाम किसी और का बोलेंगे लेकिन वोट सिलाई मशीन छाप को देंगे, मनोज कुमार को देंगे। इसलिए मैं सभी भरवारा के सभी जाति से कहना चाहता हूँ कि ये भ्रम में नहीं रहे कि तेली समुदाय का वोट नहीं आने जा रहा, सबसे ज्यादा वोट तेली समुदाय को राम बाबू शाह को मिलने जा रहा है। ईवीएम नंबर कितना में है? ईवीएम नंबर 7 पर है, 7 पर। सिलाई मशीन का मतलब हुआ सिलाई मशीन साहब नया सृजन करना, नया कपड़ा सिलाई मशीन से सिया जाता है, भगवान ने बहुत सोच समझ करके हमको यह सिलाई मशीन छाप मिला है, नया सृजन करना है भरवारा का, हमको मारने तक की धमकी दी जा रही है। इसलिए हम भरवारा के जनता से भावुक अपील करना चाहते हैं कि आज मनोज आपकी आवाज बनना चाहता है, आज मनोज मर जाए आपके लिए, अगर मरना भी होगा तो तैयार है, अब तो हम निकल गए हैं, अब तो हम आपको मरना भी पड़ेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा भावुक अपील है भरवारा के एक एक जनता से, एक एक जाति से कि एक एक वोट सिलाई मशीन छाप को है। दाना मिलता है, वो कर दिया, पहले देता था, आज एक किलो गेहूँ देता है, दाना कम भी होता है वजन में। हाँ, वजन में कम तो होता है, वहाँ से लाते कितना किलो देता है? जब 40 किलो देता है चावल लेके, यहाँ लाते हैं तब माने कितना 38 किलो की 36 किलो होता है, ऐसा ज्यादा नहीं होता। अभी तक इंदिरा आवास का रिसीविन मिल गया लेकिन पैसा नहीं अभी तक, इंदिरा आवास नहीं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ वही, तो अभी तक मिला नहीं था, हम कैसे बुझेंगे? इतना इतना पानी हेल के जाते हैं आते हैं, इसका कोई कैंडिडेट को नहीं चुनिएगा तो यही हालत ना, वही हालत ना, विकास नहीं होगा, नहीं होगा ना, गलत कैंडिडेट को आप चुनिएगा। हाँ वो तो विकास नहीं होगा, नहीं होगा ना, हम लोग को वृद्धा पेंशन मिलता है, कुछ नहीं मिल दे रहा है हमको। आपका नाम? हमको नाम खवारी महतो। कहाँ के हैं? भरवारा पुरानी बाजार के। क्या क्या दिक्कत है आपका? हमको तो बहुत ही दिक्कत है, कुछ नहीं देता है, देखते हैं गरीब से गरीब एकदम, हमको एकदम ना बुरा घर बन रहा है, नहीं कुछ, पाँच पाँच को बेटा है, ना जमीन है, ना जाता है, चार धूर जमीन है, उसी में पाँचों आदमी गुजारा, पाँचों बेटा गुजारा करता है। यदि आप सही कैंडिडेट नहीं चुनिएगा
तो आपका हालात हमेशा ऐसा ही रहेगा। यदि पैसे पे बिकिएगा पैसे पे बिकिएगा जात पात पे यदि वोटिंग करेंगे बिकने वाले हैं वोटिंग करेंगे तो आपका हालात यही। हम तो पासी का जात थे, तारी पानी वो भी बंद आता है, मारपीट का अधिक करता है, हैं सब चीज करता है, आ वो भी जब बंद हो गया तो हम लोग क्या खाएंगे कि कैसे रहेंगे, बाल बच्चा कैसे जिएगा, कुछ समझ में नहीं हमको आ रहा है। यहाँ का जो विधायक है अभी क्षेत्रीय जीवेश कुमार जी, उनके बारे में क्या कहना है? जीवेश कुमार का क्या कहना है, जीवेश कुमार तो जीत कर गया और अभी तक भेंट भी नहीं किया, अभी दर्शन तक नहीं किया, हम लोग भी हमसे वोट ले लिया और बस जाकर बैठ गया, जाकर रात पर बैठ गया। वो अभी नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है भरवारा में, तो इस बार किस कैंडिडेट को चुनने वाले हैं? देखिए कंटिन्यू को जो हमको अच्छा बुझाएगा अपना देख लेंगे कि हाँ ये अच्छा है या नहीं है, हम उसी को चुनेंगे।